हेलो फ्रेंड्स, तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल माँ शारदा सर्विस सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ वो मेरा खुद का शॉप है फ्रेंड्स, जिसका नाम है माँ शारदा सर्विस सेंटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सजावट की है, आप देख सकते हैं पार्ट्स को कितनी बेहतर तरीके से मैं सजाया हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, और शॉप की अपेक्षा मुझे अपना शॉप ज़्यादा अच्छा लगता है साज सजावट में, और मैं कुछ ज़्यादा इसमें पूंजी नहीं लगाया हूँ, उसके बाद मैं बाद में करूँगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में क्यों आया हूँ और किस लिए आया हूँ वो मैं बताता हूँ कि किस टॉपिक में मैं आज कवर करूँगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स, इस शॉप से मुझे कितना मुनाफा होता है, क्या मिस्त्री चार्ज से ही होता है या पार्ट्स में मुझे ज़्यादा कमाई होता है, इस पर कवर करूँगा। उसके बाद फ्रेंड्स, शुरुआती में कितनी पूंजी मुझे लगी थी इस शॉप को खड़ा करने पर, बाद में कितना का लगा वो मैं बताऊँगा, और शुरुआत में मुझे किस प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा, क्या मुझे मिस्त्री की कमी हुई क्या नहीं हुई, क्या मैं खुद से काम ज़्यादा करना पड़ा, उसके बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद फ्रेंड्स, शुरुआती में जब आप शॉप को कर रहे हैं तो उस टाइम किस क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको कब रखना है, किस टाइम उसे कम क्वालिटी का रखना है, तो इसी वीडियो में बताऊंगा। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर आप इस शॉप को करना चाहते हैं तो उसे पूरी जानकारी लेकर ही इस शॉप को करें, कितना पूंजी लगे वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्टिंग करते वीडियो करते स्टार्ट। मेरा नाम है राहुल और आप लोग देख रहे हैं माँ शारदा सर्विस। तो चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल मैं शुरुआत में कितना पूंजी लगाया तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो शुरुआत में मैंने 4000 का बस पार्ट्स खरीदा था फ्रेंड्स, आप लोगों को बिलीव नहीं होगा लेकिन मैंने 4000 का सिर्फ पार्ट्स खरीदा था, वो भी ये शॉप नहीं था, मैं दूसरे जगह पर शॉप किया था, उसका लोकेशन मैं कुछ देर में बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैंने 4000 में बस पूंजी लगाया था और उसमें कुछ ही कुछ सामान लिया था, उसी का मैं डिटेल दूंगा कि कितना मैंने सामान रखा था और कैसे इतना प्रोग्रेस हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने 1000 का रिंच लिया था, उसमें से कम 850 रुपये आसपास का रिंच लगा था, उसके बाद जितना पैसा लगा था वो यहाँ से रांची आपका जाके मैंने सामान उठाया था, उतना पैसा मतलब 5000 का बस मैंने शुरुआती में पैसा लगाया था। और फ्रेंड्स, मैं आपको वो लोकेशन दिखाता हूँ जहाँ पर मैंने दुकान की थी, तो चलिए कुछ थोड़ा देख लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये राहुल साइकिल एजेंसी आपको मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, मैंने इस साइकिल दुकान अलग था और इसके बगल में जो ये रूम था वहाँ पर दो रूम का मतलब इसी में मैंने अपना दुकान की शुरुआत की थी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये अभी टूट टूट गया है, और इसी के जस्ट अपोजिट आप देख सकते हैं ये इधर है, ये रोड साइड के ये साइड आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये राहुल साइकिल एजेंसी, और यहाँ पर देख सकते हैं माँ शारदा सर्विस सेंटर। मैंने यहाँ पर अभी शॉप को स्थित किया था और इसके जस्ट पीछे मैंने जो यहाँ पर अभी देख सकते हैं, इसके बगल में राहुल साइकिल एजेंसी है जो कि मेरे ही नाम पे है, मतलब नाम पे नहीं, मतलब ये शॉप का नाम है। और इसी में मैंने लगभग कहा जाए तो 4 क्लास से जब था वहाँ से मैं उस टाइम से मैं साइकिल बनाता था, और अभी भी मैं अगर कुछ काम नहीं रहता तो साइकिल ही बनाता हूँ। फिलहाल यहाँ पर मेरे पापा बैठते हैं और इस जो बाइक का दुकान है यहाँ पर मैं बैठता हूँ। तो ये रहा फ्रेंड्स दो शॉप, जो वो साइड था और वो जस्ट अपोजिट मैंने कर दिया हूँ, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप में। तो ये थोड़ा सा मेरे पापा की मेहनत है जो वो साइड से ये साइड किए हैं, और उसके बाद जो 4000 के बाद थोड़ा धीरे धीरे प्रोग्रेस जो मेरा होते गया, तो वो मेरे पापा देखकर कुछ पूंजी उन्होंने दिए, लगभग 1.5 लाख रुपए और आसपास अभी वो इस शॉप में लगा चुके हैं, और बाकी जितना मैं कमाई करता हूँ वो मैं लगाते रहता हूँ, वो एक्स्ट्रा मैं रख लेता हूँ। फिलहाल फ्रेंड्स, मुझे यूट्यूब से कुछ पैसे अर्निंग नहीं हो रही, लेकिन ये ज़्यादा दिन है जितने मेरे लगभग 1 महीना के बाद अगर आप लोगों का साथ रहेगा, सब्सक्राइबर व्यू देंगे, तो लगभग यूट्यूब की पैसे से भी मैं कुछ कमाई कर पाऊँगा। तो ये आप लोग, तो मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स आप लोग कुछ सपोर्ट करें, मेरा भी सपोर्ट करें यूट्यूब की तरफ से, कि हाँ थोड़ा सा शेयर भी करें वीडियो का और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो वो तो हो गया फ्रेंड्स कि मैंने 4000, ये बहुत कम हो जाता है पैसा, आज से लगभग 6 या 1 साल कहिए कि, तो 1 साल हो गया मेरा शॉप का, और मेरा एज ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स, लगभग 19 साल का मैं खुद हूँ, और
जैसे मैंने इंटर कंप्लीट किया था उसके बाद मैंने ये शॉप खोला था। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कम एज में मैंने भी थोड़ा सा कोशिश किया था कि हाँ, लेकिन थोड़ा सा माइंड में ये था कि फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा बचपन से साइकिल बनाता था, इसीलिए मुझे कभी एहसास हुआ कि मैं कभी बाइक का दुकान ज़रूर खोलूँगा। इसके बाद मैं और कुछ सोचा फ्रेंड्स, उसके बारे में मैं बताऊँगा कि मैं इसके बाद भी क्या करना चाहता हूँ। फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ फ्रेंड्स, जो कि ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर में अभी मैं पहुँच चुका हूँ। फर्स्ट ईयर में था तो कोरोना वायरस के कारण मैंने एग्ज़ाम दिया, तो वो सेकेंड ईयर में मैं पहुँच चुका हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स अब आते हैं फ्रेंड्स कि मैंने कितना पूंजी में, मतलब 4000 में क्या क्या सामान रखा था। तो ये पीछे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो इतना सारा मोबाइल अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो उस टाइम फ्रेंड्स मैं 3 मोबाइल लाया था। एक कैस्ट्रोल का आप देख सकते हैं ओरिजिनल, ये ओरिजिनल मैं लाया था। उसके बाद एक लाया था पावर राइड, जो अभी वो माल मैंने चला रहा हूँ। उसके बाद मैं लाया था हीरो का एक मोबाइल, मतलब 3 मोबाइल लाया था। और एक ऐसे ही मैं कम रेट का कोई भी मोबाइल उठा के लाया था, और एक हाफ लीटर का जो सर्वो होता है वो मैं हाफ लीटर का एक मोबाइल लाया था। बस 4 मोबाइल लाया था फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा उस टाइम नहीं था। मैं शुरुआती करना चाहता था और देखना चाहता था क्या कंडीशन है, कमाई कैसा है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर पार्ट्स में बोला जाए तो मैंने 4 पीस, अभी इंडिकेटर मेरे पास बहुत ज़्यादा अभी उपलब्ध है, लेकिन उस टाइम मैंने 4 पीस लाया था, एक स्प्लेंडर का और एक स्प्लेंडर प्रो का। तो ये तो रह गया फ्रेंड्स आपका इंडिकेटर। उसके बाद मैं बात करता हूँ ब्रेक शू की। तो ब्रेक शू देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी मेरे पास सब गाड़ी का ब्रेक शू अवेलेबल है, हर चीज़ का ब्रेक शू अवेलेबल। लेकिन फ्रेंड्स उस टाइम ब्रेक शू मैंने लाया था एक छोटा हब, जो आपका पैशन प्रो, मतलब पैशन प्रो ये बड़ा हब हो गया, और जो छोटा हब हो गया ये स्प्लेंडर में लग जाता है पीछे चक्का। तो ये 2 पीस मैंने बस लाया था, 4000 में मुझे ज़्यादा मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं एक एक पीस उठा के लाया था। और एक पीस लाया था मैं अपाची हो गया, ये सब जितना भी हो गया, डिस्कवर हो गया या लूना गाड़ी का हो गया, वो मैं उठा के एक पीस लाया था, मतलब 3 पीस लाया था। उसके बाद एक पीस मैं लाया था यहाँ से चैन किट, आप देख सकते हैं चैन किट अभी मेरे पास सब गाड़ी का अवेलेबल है। लेकिन उस टाइम लाया था मैं सिर्फ पैशन प्रो का एक पीस, जो कि बड़ा हब रहता है, वो थोड़ा सा नॉलेज था, मैं काम ऐसे उतना सीखा हुआ नहीं था। 15 में मैं गया था, वहाँ पर मैंने कम से कम 3 महीना काम किया था, एक गैरेज था वहाँ पर 3 महीना काम किया था, पूरा दुकान उकान छोड़ के, जो मेरा साइकिल दुकान वहाँ पर मैं खुद बैठता था, छोटा ही से बैठता था, लेकिन मैं काम उम छोड़ के गया था गैरेज आपका काम सीखने के लिए। उसके बाद मैंने पार्ट्स के बारे में नॉलेज इकट्ठा की, उसके बाद मैंने ये दुकान किया। इसलिए थोड़ा सा अगर मैकेनिक है तो उनके लिए थोड़ा सा होगा कि कौन सा पार्ट्स रखना चाहिए, वो थोड़ा सा बेटर जानते होंगे। लेकिन अभी इतना कम से कम साल भर मेरा ये मैंने यहाँ अपना दिमाग लगाया और इतना कर चुका हूँ, तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मुझे ज़्यादा हो गया। उसके बाद बात करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं क्लच प्लेट। तो अभी क्लच प्लेट अभी बात कीजिएगा तो अभी मेरे पास सब गाड़ी का अवेलेबल है ऑल टोटल, लेकिन उस टाइम लाया था मैं सिर्फ 2 ही, वो FCC कंपनी का मैंने लाया था। अभी मैं CNB कंपनी यूज कर रहा हूँ और एरो का यूज कर रहा हूँ, तो वो अभी मैंने ऑल कंपनी का, मैंने मतलब जो कंपनी मिल जाता है उसका मैं यूज कर रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपका आ जाता है वायर, जो तार वो इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ देख सकते हैं अभी क्लच केबल हो गया और लूना टोटल चीज़ का हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ भी आपको वायर मिलता है। लेकिन उस टाइम मैंने लाया था सिर्फ जो जानता था, स्प्लेंडर पैशन प्रो हो गया, क्लच केबल, एक्सलेटर केबल, ब्रेक केबल या चौक केबल, ये सब मैं सिर्फ पैशन प्रो स्प्लेंडर का ही लाता था और एक लूना का। लूना इधर थोड़ा सा गांव एरिया है तो ज़्यादा चलती थी, इसलिए मैं लूना का रखता था। उसके बाद फ्रेंड्स मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका प्लग। प्लग आप लेना कभी मत भूलिएगा। प्लग मैं लेता था, यहाँ आप देख सकते हैं अभी RK कंपनी हो गया, बोस कंपनी हो गया, चैम्पियन हो गया, मैंने टोटल का प्लग अभी रखा हूँ, ORX हो गया, मतलब ऑल कंपनी का प्लग अभी मैं रखा हूँ। उस टाइम मैंने कम से कम 5 पीस लिया था, सब कंपनी मिला के सिर्फ 5-5 पीस रखा था। और यहाँ अभी ट्यूब देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी है, यहाँ पर 318, 190, 17 MRF का है, डॉल्फिन है आपका, देख सकते हैं TVS है,
मतलब टोटल जितना कंपनी रहता मैं टोटल यहाँ रखता, C8 हो गया, MRF हो गया, मतलब टोटल अभी। और उस टाइम था मैंने एक एक पीस सबसे शुरुआत की थी, इसलिए थोड़ा सा क्योंकि पूंजी भी कम था और मैं स्टार्ट कर रहा था तो उतना मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था। लेकिन उसके बाद देखा मेरा थोड़ा सा डेवलप हो रहा है तो मैं अपना इन्वेस्ट किया हूँ और इतना इतना पूंजी लगा दिया, लगभग अभी फ़िलहाल 2 से 3 लाख ज़रूर होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मैं पार्ट्स के साथ साथ गाड़ी का पंचर का भी काम करता था, तो अगर ट्यूबलेस का पंचर अगर बनाना चाहते हैं तो ये जो ओमनी का जो ये बॉन्ड आता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो स्टिकर आता है वो लगभग एक एक पत्ता आपको सब गाड़ी का रखना होगा, मतलब कहा जाए तो एक पत्ता आता है बड़ा का तो वो एक पत्ता आपको रखना पड़ेगा, वो ट्यूबलेस वाला स्टिकर। तो उतना मैं जानता था कि छोटा सा साइकिल दुकान में तो पता था कि पंचर कैसे बनाते हैं, उतना नॉलेज था इसलिए मैं पंचर उंचर भी बनाता था। और उसके बाद फ्रेंड्स एक चीज़ और है कि आप फेविक्विक जरूर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूटा फूटा अगर आपका वाइजर हो गया ये सब हो गया तो ये बहुत ज़्यादा होता है, अगर इसको एक पीस आप यूज करते हैं तो आपको कम से कम 30 रुपया वो ज़रूर देता है बंदा जो भी है। मैंने ये बहुत ये थोड़ा सा किया है कि एक पीस यूज करता तो 20 से 30 रुपये आराम से मिल जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात आता है कि अभी फ़िलहाल तो मेरे पास यहाँ पर मिरर उरर था तो उस टाइम मैंने नहीं लिया था मिरर, ये बाद में जब ज़रूरत पड़ा तो मिरर उरर रखा, सोकर वाइलसिल सब बाद में चीज़ रखा। और एक चीज़ था कि ये थोड़ा सा कम रखता था, अभी तो पता मेरे पास ढेर है और फिलहाल उस टाइम 5 पीस मैंने रखा था क्योंकि ये अगर इंजन का काम करता था तो ये बहुत ज़रूरी था। उसके बाद यहाँ हर गाड़ी का है, बस उस टाइम मैं क्लच कवर पैकिंग रखता था और मैग्नेट पैकिंग बस एक ही, और एक सेट रखता था आपका हीरो होंडा का फुल किट। बस अभी तो सब गाड़ी के अवेलेबल है फ्रेंड्स, तो उस टाइम के अपेक्षा मैं बता रहा हूँ कि अगर आप भी कभी ऐसा दुकान करना चाहोगे तो आप इतना रख सकते हो जो कि 4 से 5 हज़ार आसपास आपका आएगा, उससे ज़्यादा नहीं। और एक चीज़ है फ्रेंड्स मैं भूल रहा था लेकिन मुझे याद आया, बैरिंग, आप चक्का बैरिंग कम से कम 4 से 5 पीस ज़रूर रखिएगा। मैं 4 पीस लिया था वो भी हीरो कंपनी का ओरिजिनल लिया था तो वो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपका देख लीजिए कि दुकान किस लोकेशन में, उसके बाद धीरे धीरे उसे डेवलप कीजिए और डेवलप करके आप उसमें ज़्यादा पूंजी इन्वेस्ट करके आप उस दुकान को अच्छा ताज़ा से एकदम बना सकते हैं, जो कि मैंने वो बना चुका हूँ। और मेरे हिसाब से मैं जिस एज में हूँ उस एज में तो बहुत को मैं देखता था कि स्पोर्ट बाइक चलाते हैं या एकदम उड़ चलते हैं, लेकिन उस टाइम मैं अपना दिमाग को ऐसा सोचता था कि काश मैं वो सब भी करूं, लेकिन फ़िलहाल मैं सोच रहा हूं अगला साल स्पोर्ट बाइक लूंगा और फिलहाल मैं अब देखता हूं कितना कमाया भी कर चुका हूं। तो फिलहाल अगर मैं कमाई की बात करूं फ्रेंड्स तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मिस्त्री चार्ज ज़्यादा आता है, अगर मैं कोई गाड़ी का इंजन को खोलूँ तो मेरा चार्ज रहता है 500 रुपया, ये उसके बाद जितना उस सब काम वम करूँ मैं उससे ज़्यादा नहीं, 500 से लेके अगर फुल इंजन काम करता तो 1000 रुपया, 700-800 आसपास ले लेता जैसा काम रहता है जिस गाड़ी के हिसाब से, और इसी में मेरा मिस्त्री चार्ज ज़्यादा बचता है। तो अगर फ़िलहाल अगर बात किया जाए तो लगभग मंथली मैं 20,000 अपना कमाई कर लेता हूँ, तो ये हो सकता है कि 15 से 20 हज़ार से 30 हज़ार भी चल जाता है, क्योंकि ये बिजनेस है फ्रेंड्स, आपका कमाई बढ़ता ही जाएगा, घटेगा कभी नहीं। और अभी थोड़ा सा साल भर हुआ है तो थोड़ा सा लोगों को परेशानी होती है कि नया दुकान है तो कैसे मैं इंजन खुलवा दूँ, तो धीरे धीरे आपका बनते जाता है कस्टमर, वो आपके चहते होते जाते हैं, तो ये आप हो सकता है फ्रेंड्स कि लोग आपको देख रहे हैं कि हाँ कैसा काम करता है, उस हिसाब से कस्टमर भी बढ़ते जाता है। फिलहाल मैं जितना भी काम करता हूँ वो बेहतर करता हूँ, साथ में अभी 6 महीना की मैं गारंटी भी दे देता हूँ कि अगर कुछ भी ख़राब हो तो मैं वो फिर से बिना खर्च में बना दूंगा, बस अगर सामान कभी ख़राब हो जाए तो वो आपका लगेगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स कि कुछ नॉलेज कि मैं कैसे दुकान किया। उसके बाद फ्रेंड्स ये दुकान करना आपके लिए सही है, तो अगर आप मैकेनिक है फ्रेंड्स तो ये दुकान करना आपके लिए सही है, अगर मैकेनिक ना भी अगर आप पार्ट्स होलसेल रेट में बेचना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये दुकान परफेक्ट है, आप कभी भी कमा सकते हैं किसी भी जगह में। तो ये तो रह गया फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स जो बगल में मेरा साइकिल दुकान है, मेरे पापा उसमें रहते हैं तो उसमें वो होलसेल साइकिल भी सप्लाई करते हैं, होलसेल पार्ट्स भी सप्लाई करते हैं, तो अगर कभी किसी को ज़रूरत पड़े तो आप बोल सकते हैं, उन नंबर लिंक के में दिया रहेगा वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स कुछ छोटा सा मेरा शॉप है तो कुछ डिटेल मैं दे दिया, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक ले जय हिंद जय भारत वंदे मातरम और जय हिंद।